अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। हमारे फिरोजाबाद जनपद में हमारी स्वाट सर्विलांस और थाना नसीरपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके 8 कुख्यात बदमाशों को हमारी टीम ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 क्विंटल 58 किलोग्राम यानी 458 किलोग्राम हाई क्वालिटी का गांजा बरामद किया है। इन 8 बदमाशों से अलग अलग से पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली है कि ये पूरा कंसाइनमेंट नक्सल प्रभावित जिला मालकानगिरी, जो उड़ीसा राज्य में है, वहाँ से तस्करी करते हुए ये मथुरा में सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। फिरोजाबाद में भी 20 लोगों को सप्लाई करना था, जहाँ पे माल उतारा जा रहा था, उसी दौरान मुठभेड़ हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 458 किलोग्राम गांजा, 1 बड़ा ट्रक, 1 स्विफ्ट डिज़ायर कार, 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इस गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा आंकी गई है। इन सभी के रैकेट को तलाशा जा रहा है और नेटवर्क को तलाशा जा रहा है। बहुत जल्दी इन पर और भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। पूरी टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि ये मालकानगिरी ज़िला उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है, वहाँ से ये गांजा वहाँ के जंगलों से एक राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति लाता था। राजेश गुप्ता बापी स्वाइन को देता है, बापी स्वाइन अपनी ट्रकों के माध्यम से इसको यूपी और बिहार के तमाम इलाकों में सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से इसका इस तरह का कनेक्शन है। मथुरा में ये गांजा लोकल लोगों के अलावा जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको भी 5,000 रुपया प्रति किलोग्राम से लेकर 50,000 रुपया प्रति किलोग्राम तक के भाव से बेचा जाता है। इस तरह से इसका पूरा पूछताछ में बात सामने आई है। पूरे गैंग का सरगना जो लोकल उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मथुरा का रहने वाला है, सत्यभान पांडे है, जो खायरा गांव थाना छाता जनपद मथुरा का निवासी बताया गया है।